म्यांमार बांग्लादेश नेपाल के ड्रग माफिया के लिए लखनऊ ड्रग डील का बड़ा सेंटर बन चुका है। इस धंधे से जुड़े लोग मेडिसिन मार्केट से दवाइयां खरीदकर मैक्सिको के रास्ते अमेरिका और रूस भेजते हैं। ये काला कारोबार डार्क वेब से चलता है और इसमें पैसों का लेन देन बिटकॉइन से होता है। हाल ही में दिल्ली स्पेशल सेल ने अफगानिस्तानी पैडलर को लखनऊ से पकड़कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। सिर्फ यूपी में 1200 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। हर धर पकड़ कर लखनऊ कनेक्शन मिला। दिल्ली पुलिस ने 300 करोड़ का ड्रग लखनऊ से पकड़ा है। लखनऊ के आलमबाग से नकली और बैन की गई दवाई की सप्लाई कॉल सेंटर की आड़ में डार्क वेब के जरिए यूरोपीय देशों तक ड्रग पहुँचाई जा रही थी। यूपी एसटीएफ ने इससे जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेड में आरोपी सहबाज खान, जावेद खान, साहिद अली आर्यन, राज और गौतम लामा के पास से कई दवाइयां बरामद हुई हैं। दवाइयों को विदेश भेजने के लिए कोडवर्ड का भी इस्तेमाल होता था। ये सभी दवाइयां अमेरिका समेत सभी यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित हैं। डार्क वेब को नॉर्मली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसके लिए यूजर्स को अपना आईपी एड्रेस बदलकर एक खास ब्राउज़र का इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ ही सर्फिंग करने के लिए कुछ खास तरह की एनोनिमिटी टूल्स यानी यूज़र की आइडेंटिटी प्राइवेट रखने वाले टूल्स और वीपीएन का इस्तेमाल भी करना होता है। फिर इसके जरिए अपराधी मानव तस्करी, ड्रग्स स्मगलिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने जैसी कई खतरनाक चीज़ों के लिए करते हैं। इसके जरिए शाइनाइड जैसे जहर तक की बिक्री होती है। डार्क वेब पर यह पता लगा पाना लगभग असंभव होता है कि यहाँ पर कितनी वेबसाइट हैं और उन्हें कौन किस काम के लिए यूज़ करता है। यहाँ कौन किसको क्या बेच या क्या खरीद रहा है, इसका पता लग पाना काफ़ी मुश्किल है। पूरा लेन देन क्रिप्टो करेंसी से होता है। इसके चलते कौन किसको कितना अमाउंट भेज रहा है ये कोई नहीं बता सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।